ओम शांति निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी ये ईश्वरीय परिवार अथवा ब्राह्मण परिवार में बाबा ने अंतिम दिन को जो महामंत्र दिया ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में आदि से लेकर के अंत तक जो ईश्वरीय शिक्षाएं परमात्म शिक्षाएं शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा दी ब्रह्मा बाबा ने पहले उसको अपने जीवन में अभ्यास में लाया अभ्यास किया अनुभव किया और उस अनुभव की अथॉरिटी से जो फिर दूसरी आत्माओं को बिल्कुल थोड़े शब्दों में बोला और बड़े प्यार से बोला सत्यता की अथॉरिटी से बोला वो सत्यता की अथॉरिटी निर्माणता संपन्न रही इसीलिए जो भी बाबा ने ज्ञान के बोल बोले वो ऐसे ही है जैसे कि अविनाशी बीज जैसे आत्मा अनादि अविनाशी है उसका विनाश नहीं होता तो ऐसे आत्मिक स्थिति में ब्रह्मा बाबा ने ये मैं निराकार आत्मा शरीर से न्यारी हूं ये अभ्यास बाबा ने दृष्टि देते ही ऐसा दूसरों को अनुभव करा देते थे क्यों के बाबा के अपनी जो स्मृति थी अपना स्वरूप था बाबा को मैं देह हूं देह भान का भान नहीं था अभिमान भी नहीं था मान अपमान में स्थिति समान थी परंतु तो समान की शक्ति कि मैं आत्मा हूं और आत्मा तो निराकारी है ना तो बाबा ने हम बच्चों को रोज ये स्मृति दिलाई रोज की मुरली में एक बारी नहीं अनेक बारी कभी कभी तो एक ही दिन की सुबह के क्लास में ट्वेंटी वन टाइम थर्टी टू टाइम्स ऐसा भी मुरली में हमने नोट किया बाबा बात करते करते एक सेकंड रुकते बच्चे क्या समझ करके सुन रहे हो किस स्मृति से सुन रहे हो कौन बोल रहा है तो साकार बाबा को निराकार बाप की स्मृति और वो आभास की निराकार साकार द्वारा सुना रहे हैं और बाबा वो निराकार आत्माओं को सुना रहे हैं निराकार पिता निराकार आत्माओं को सुना रहे हैं तो बाबा ने जो बाबा सुना रहे हैं और ब्रह्मा बाबा उसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे लगता था कि शब्द निराकार के हैं और निराकार आत्माओं से बात कर रहे हैं तो सामने निराकार बाबा हमें हमारे शरीर को नहीं देख रहे बेशक बच्चे बच्चे कहते थे बच्चे तुम आत्मा हो करके बैठो तुम शरीर नहीं हो कहां से आई हो स्मृति दिलाते थे कि निराकारी धाम की तुम आत्माएं अव्यक्त वतन की रहने वाली आत्माएं परम धाम की रहने वाली आत्माएं हो अब ये सिंपल शब्द है बेशक भगवान के महावाक्य गीता में के शरीर एक वस्त्र है परंतु ये अभ्यास हर एक को परमात्मा ने कराया ब्रह्मा द्वारा कि तुम अशरीरी आत्मा हो निराकारी आत्मा हो निराकार निराकार आत्माओं को पढ़ा रहे हैं तुम तो प्रकृति के बीच में निवास करने वाली चैतन्य ज्योति हो तुम तो भाग्य भाग्यशाली आत्मा चमकता व सितारा हो तो बाबा ने हम मुझ आत्मा के निराकार स्वरूप की स्मृति से आत्मा में कितनी शक्ति निहित है कितनी शक्ति समाई हुई है तो बाबा के शब्दों के साथ और दृष्ट दृष्टि से बाबा वो करंट जो देते थे तो बिल्कुल ऐसे लगता था कि ये हम भी शरीर भान से न्यारे होते जा रहे हैं ये भूल जाता था पता तो है कि मैं शरीरधारी आत्मा हूं परंतु उस समय ऐसे लगता था कि मैं वो चैतन्य ज्योति बाबा के नैनो में विराजमान हूं और बाबा मुझ आत्मा को देख करके ही मुझ आत्मा को कह रहे हैं बच्चे तुम आत्मा हो आत्मा को देखो आत्मा हो करके सुनो दूसरे को जब देखो तो आत्मा देख करके बात करो भरकुटी के बीच में आत्मा समझ करके बात करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम है कि कोई मनुष्य आत्माएं तुम्हारी बात को नहीं समझती हैं, मिसअंडरस्टैंड कर, कर लेती हैं। तुम कुछ कल्याण की बात भी सुनाते हो तो अपवाद करते हैं अथवा विरोध करते हैं उसका कारण क्या है बच्चे चेक करो तुम आत्मा को सुना रहे हो या शरीर के भान को देख के सुना रहे हो व्यक्ति को देखने का मतलब नहीं उस आत्मा उस व्यक्ति में अथवा व्यक्त शरीर को अव्यक्त से व्यक्त बनाने वाली जड़ से चेतन करने वाली कौन है वो आत्मा है तो बाबा ये आत्मिक स्थिति में स्थित होने के लिए जैसे खुद अशरीरी भान से शब्द के साथ साथ संकल्प स्वरूप होकर के उस शब्द का अर्थ सहित स्थित होकर के, फिर जो जो शब्द बोलते थे तो वो सतल वाइब्रेशंस फील होता था यानी बाबा से पता चलता था कि बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं तो वो रूहानी प्यार का अनुभव होता था आत्मा को महसूस तो आती थी बाबा मुझे आत्मा से बात कर रहे हैं बच्चे तुम रूहे गुलाब हो तुम रूहानी खुशबू फैलाने वाले हो तो हमारी खुशबू कोई हमको अपनी तो महसूस नहीं हो रही थी परंतु बाबा क्योंकि हम अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो करके अपने को भी देह से न्यारा आत्मा समझ करके मैं आत्मा से बात कर रहा हूं दूसरे को स्मृति दिला रहे हैं आत्मिक तुम आत्मा केवल आत्मा नहीं हो तुम अशरी आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हो तुम सर्वशक्तिवान की संतान शक्ति स्वरूप आत्मा हो तो बाबा ने ये अभ्यास प्रवृत्ति में रहते अपने परिवार में रहते हुए आदि के दिनों में जब से शिव बाबा ने ब्रह्मातन में प्रवेश किया अथवा ब्रह्मा बाबा को ये बोध हुआ कि हम आत्मा हैं। विश्वास हो गया कि हम आत्मा हैं और बाकी सब भी आत्मा है स्टूडेंट तो बनकर के परमात्मा का स्टूडेंट बन के इंस्ट्रूमेंट भी बने तो निमित्त भी बने परंतु एक प्रैक्टिकल हम सब के लिए जैसे बाबा ने कहा बाबा भी तो बच्चे स्टूडेंट है तो बाबा का अभ्यास ये था बच्चे को भी चाहे लौकिक बच्ची है तो उसको आत्मा देखना है बेटा है तो उसको आत्मा देखना है कोई हम सामने आए तो भी आत्मा देखना है तो आत्मिक भाव होने के कारण जो देह की संबंध की रुकावट आ जाती है अथवा ममत्व कोई विघन डालता है मोह बाबा में स्नेह अपार रोहानी स्नेह था स्नेह की सुगंध थी स्पिरिचुअलिटी जैसे फूल नजर आता है खुशबू नजर नहीं आती पर बहुत अच्छी तरह से अनुभव का नेतृत्व खुशबू को महसूस करता है तो ऐसे बाबा की दृष्टि में जो अशरीरीपन का अभ्यास था तो वो बाबा दृष्टि देते ही ऐसे लगता था जैसे हमको भी अशरीरी स्थिति का इंजेक्शन लग गया है अशरीरी आत्मा हूँ और उस सुख में उसमें आत्मिक स्थिति में स्थित होने से योग बहुत अच्छा लगता था तो ऐसे ही लगता था कि बाबा की मुरली सुन रहे हैं चाहे साकार रूप में बाबा मुरली सुना रहे हैं परंतु प्यार से आत्मा कह करके बच्चे बच्चे कह करके मुरली सुना रहे हैं शिक्षा दे रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी की सुगंध जैसे हमारे अंदर जैसे किसी कहा इस, किसी स्थान पर ठंडी चीज रखो तो गिलास भी ठंडा हो जाता है गरम चीज रखो तो बर्तन गरम हो जाता है तो बाबा के शब्द हृदय के अंदर आते ही हमको भी यही लगता था सचमुच हम शरीर से न्यारी आत्मा है और ये स्मृति कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं मुझे बहुत अच्छी तरह से ये अनुभव है जब शुरू शुरू में ये लेसन हमने पक्का किया कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ तो कॉलेज से ही आती थी दोपहर का समय होता था मेरे हाथ में मेरी नोटबुक थी और जैसे ही बस से उतरी पांच मिनट का वॉक होता था बस स्टॉप से रजौरी गार्डन सेंटर पर आने का तो ये मुझे स्मृति कि मैं आत्मा हूं सचमुच मैं शरीर नहीं हूं मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूं और मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूं ये संकल्प इतना पावरफुल तो मुझे उस समय इतना अंदर खुशी का अनुभव हुआ इतना अत सुख का अनुभव हुआ तो मुझे अशरीरी स्थिति क्या होती है निराकारी स्थिति क्या होती है ये मेरे पैर मेरे शरीर है परंतु मुझे शरीर का बोझ नहीं तांगों से चल रही हूँ परंतु पैर धरती पर नहीं पड़ रहे हैं ऐसा जैसे मैं लाइट की बॉडी में हूं हम बाबा को तो चलते फिरते इसी प्रकार की फीलिंग आती थी कि बाबा शरीर में रहते फरिश्ता है परंतु हमको खुद बाबा की वो शिक्षाओं का बड़े प्यार से निर्माणता से जो बाबा ने सिखाया वो निर्माणता में महानता का बल इतना भरा हुआ था तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि मैं धरती पर नहीं पैर रख रही हूँ जैसे उड़ रही हूँ थोड़ा कुछ कुछ इंचेज मैं ऊपर हूँ धरती से और बहुत फास्ट मूव हो रही ऑटोमेटिकली जैसे कि हवा चला रही है मुझे उस दिन हवा भी चल रही थी बराबर तो कुछ सूखे पत्ते थे तो पत्तों से मेरा पैर लगा तो मैं कॉन्शियस हो गई अरे मैं चल कैसे रही हूं लोग क्या कहेंगे जैसे ही मुझे ये भान आया कि लोग क्या कहेंगे मेरे को एकदम जैसे कि कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है ग्रेविटी फॉरम मुझे नीचे धरती तो खींच लिया तो ये बाबा ने अशरीपन की निराकारी स्थिति अपनी स्थिति से हम बच्चों को जो स्थिति बनवाई उसकी विशेषता अपनी बाबा की दृष्टि में हर एक समान था, छोटा हो, बड़ा हो विशेष विशेषता वाला हो या कमी वाला हो बाबा की दृष्टि में आत्मिक भाव होने के कारण आत्मा के गुण अनादि हैं, अविनाशी हैं, उसका विनाश नहीं होता है बेशक आत्मा ने यूज करना कम कर लिया शांति को कम करते करते अशांत हो गई कम यूज किया है परंतु बाबा पर जो अपनी आत्मिक दृष्टि से दूसरे को आत्मा देख करके आत्मिक बल भरने की जो एक स्वाभाविक कला थी अथवा ये कहे कि यह संस्कार था तो शरीरपन की स्थिति से दृष्टि देते ऐसे लगता था हम शरीर से अलग हैं शरीर भान को भूल जाते थे और बाबा की निर्माणता महानता को देख के इतना बड़ा त्याग इतने जीवन की तपस्या सब कुछ समर्पण करते हुए बाबा बड़े सिंपल रहते थे अपनेपन का कोई अभिमान नहीं था यज्ञ में समर्पण सब बाबा के बच्चे हैं बाकी सब बच्चों को सुविधा बाबा सब प्रकार की दिया और खुद एक छोटे से कमरे में साधारण रीति से बिस्तर यानी वही बेडरूम भी है तो वही डाइनिंग रूम भी है तो वही मीटिंग रूम भी है छोटा सा कमरा और उसमें बाबा बड़े आराम से बड़े प्यार से सबका सबका स्वागत करते थे कुटिया में बाबा जाकर के बैठते थे दिन की पत, पत्र जो सुबह दस बजे लिखते थे सुनते थे मेट्रस पर ही बाबा बैठते थे ऐसा न कि कोई बड़ी चेयर चाहिए या कोई इस प्रकार के सुख प्रकार के साधन सुख सुविधा के साधन चाहिए पुराने मकान में बाबा रहे बच्चों के लिए नया मकान बनाया तो बाबा की निर्माणता और हर एक आत्मा को सम्मान देना उनकी विशेषताओं को विशेष रीति से सेवा में सफल करना और करवाना बाबा को ये निर्माणता की महानता आत्मिक स्थिति के अभ्यास की तो थी परंतु जो बाबा को किसी प्रकार का अपनी विशेषता का अहंकार नहीं था कभी किसी कमी को देख करके बाबा ने डायरेक्ट कमी पर ध्यान नहीं खिंचवाया पहले विशेषता पर ध्यान खिंचाया तो ऐसे जैसे कमजोर में शक्ति भरनी हो तो पहले उत्साह उमंग की शक्ति धरते थे जैसे कि धरनी तैयार करते हैं अगर धरती तैयार करते हैं तो उसमें अच्छी तरह से हल चला करके जल डाल करके फिर बीज डालना है तो बाबा नब्ज देख करके तैयार करके आत्मा के अंदर शक्ति भर के फिर किसी प्रकार की कोई कमी हो तो कमजोरी होती थी तो ध्यान खिंचवाते थे बच्ची ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या है ब्राह्मण आत्मा कैसे ज्ञानवान बनती है गुणवान बन के रहती है तो बाबा हम बच्चों को ये कहते थे बच्चे तुम सेवा बहुत अच्छी कर सकते हो हमको याद है उत्साह मंग भरने के लिए बाबा की निर्माणता की बात सुनाती हूँ बाबा के कमरे में एक छोटा सा ग्रुप बैठा था आठ का ही ग्रुप था तो क्वेश्चन आंसर चल रहे थे हमको भी बाबा ने कहा बच्ची आ जाओ हमने झांक के देखा जगह तो नहीं थी बाबा ने इशारा दिया बच्चे सामने बैठे ना वहां बैठ जाओ अब बाबा तो नीचे धरती पर बैठे हैं और मैट्रेस पर है और हम ऊपर बैठे हैं पर बाबा ने उसी स्नेह से कितना ये नहीं कि कोई गुरु या चेले की बात नहीं थी जैसे परिवार में बैठे हैं मां बाप सोफे पर नहीं बैठते जमीन पर बैठते हैं बच्चे सोफे पर चढ़कर बैठ जाते हैं तो बाबा ने उस समय हमको वहां पर कहा बच्ची यहां बैठ जाओ कोई बात नहीं तो क्वेश्चन आंसर चल रहे थे तो किसी ने प्रश्न पूछा था कि बाबा कि जब सब आत्माएं कर्म के हिसाब किताब को चुकू कर लेंगी तो फिर तो सब आत्माएं स्वर्ग के अधिकारी बन कर के स्वर्ग में जाने चाहिए ना तो बाबा ने कहा हमारी तरफ देखते हम उत्साह दिलाने के लिए कहा होगा बच्ची जवाब आप देगी आपके प्रश्नों का मैंने कहा बाबा प्रश्न तो आपसे पूछा है आप जवाब देंगे ना बाबा ने बड़े प्यार से और निर्माणता से कहा बच्ची बाबा जानते हैं बच्ची प्रश्नों का जवाब अच्छा देगी अच्छा बाबा बाबा ने वो वरदान कह रहे हैं तो मैं कैसे मना करूं उस दिन धोबी घाट था बड़े निर्माण भाव से बाबा हर काम कर्म योग में मदद करते थे सब्जी काटने में मदद करते थे अनाज साफ करने में मदद करते थे कपड़े धुलाई करने में मदद करते थे उस दिन लट्ठे चादर सब धुलाई हो रहा था बिस्तरों के कपड़े धुलाई हो रहे थे तो हमने कहा कि बाबा कपड़े तो अब दो भी है ना कपड़े साफ होते हैं, तो कपड़े की क्वालिटी तो नहीं बदली तो बाबा ने फिर यानी हमको उत्साह भरने के लिए बाबा ने कहा बच्ची स्वच्छता के साथ साथ आत्मा में शक्ति होनी चाहिए देखो आत्माए परम धाम में स्वच्छ होकर के तो जाएंगी शुद्ध होकर के जाएंगी परंतु स्वर्ग की जो दुनिया है सुख धाम की जो दुनिया है उसमें पवित्रता के संस्कार हैं, खुशी के संस्कार हैं। तो सतयुगी दुनिया में देखो देवताएं सर्वगुण संपन्न हैं, सोला कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं। तो जो आत्माएं निराकारी स्थिति के साथ साथ निर्विकारी बन करके रहती हैं और श्रेष्ठ गुण का अहंकार नहीं होता है तो वो आत्माएं सतयुग में महान आत्माएं सुख का अनुभव करती हैं क्योंकि वो निरहंकारी होकर के श्रेष्ठ कर्म करती हैं उसका बल बहुत मिलता है तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ने इतना ऊंचा कार्य करते हुए भी स्वयं भी निराकारी स्थिति में स्थित हो के रहे सर्वगुण संपन्न हो के सबसे गुण भरे सब में और सबसे गुण उठाए बाबा प्रकृति के तत्वों की भी मिसाल देते थे तो उसकी विशेषता पर ध्यान दिला के कछुए का मिसाल देते थे तो कहते थे कर्म इंद्रियों को ऐसे समेट कर बैठो मधुमक्खी का मिसाल देते थे तो कहते थे बच्ची देखो मधुमक्खी को भी इतनी अक्ल है कि शहद इकट्ठा करती है तो कड़वाट को खत्म करने में मेहनत है परंतु शहद इकट्ठा करने में मेहनत नहीं है गुणग्राही बनते चले जाओ तो जितना जितना होली हंस बनेंगे होली दुनिया में जाएंगे गुणों ग्राही बनेंगे तो सर्व गुण बन करके सब प्रकार से श्रेष्ठ कर्म के अधिकारी बनेंगे तो कर्मों में कितनी दिव्यता हो श्रेष्ठता हो और उसमें निरंकारी हो करके के कर्ण करावनहार करा रहा है तो ब्रह्मा बाबा को सदा यही याद रहा स्वर्ग की दुनिया परमात्मा हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करा रहा है परंतु श्रेष्ठ कर्म करके करवा रहा है और सदा यही रहे करण करावनहार करा रहा है निरहंकारी भाव से निर्विकारी शक्ति से गुण संपन्न शक्ति से और निराकारी स्वरूप से जो कर्म करते हैं वो स्वर्ग के अधिकारी सब प्रकार के सुखों के अधिकारी बनते हैं उन्हें तन का भी सुख होता है मन भी सुखी होता है धन भी अथाह होता है संबंध में भी समानता एकता होती है एक धर्म एक राजस्थापन होता है तो स्वर्ग में जाने के लिए पवित्रता और दिव्यता निर्माणता हो तो नई दुनिया के निर्माण करने वाले ही स्वर्ग में जाते हैं तो बाबा एक एग्जाम्पल एक बन के रहे शिव बाबा सब कुछ करा रहा है बाबा का यज्ञ है हम तो निमित मात्र हैं तो निमित्त बनकर निर्माण भाव से निर्मल हृदय से कल्याण की भावना से जो कार्य किया वो कार्य हम सब के हृदय पर अंतिम छाप है इसी महामंत्र की निराकारी निर्विकारी और निरहंकारी होकर रहना है तब निराकारी दुनिया में भी जाएंगे तो वापस सुख की दुनिया में भी आएंगे ओम शांति